एक गोश्तखोर बकरी आ गई जी, बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, एक और व्लॉग के साथ आपका मेजबान अज़हर अली हाजिर है और उसके साथ मेरी टीम दानिश भाई है, आरिफ भाई और उसके साथ मोहम्मद भाई। मोहम्मद कोयला लेके जा रहे हैं और आज हमारा जी दानिश भाई बताएं जी क्या प्रोग्राम है आज जी। अज़हर हम आज से नानसोक जा रहे हैं ऑर्गेनिक कॉलेज। अच्छा, ठीक हो गया। तो हम वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं, खासकर बारबेक्यू। ठंड बहुत है तो बस ठंड को यही इसी तरह कामों से हम ठंड को दूर भगाने के बहाने। तो इस वक्त सिकंदू का जो टेम्परेचर मैं आपको बताता चलूं, माइनस तकरीबन 6 से 7 डिग्री माइनस में है। हमारे मलबूसात आप देख सकते हैं, बड़े बड़े कोट वगैरह हमने पहने हुए हैं और हवा भी अभी आज तो धूप ही नहीं निकली और हवा भी काफ़ी तेज हवा चल रही। क्यों दानिश भाई? जी जी बिल्कुल। और हाथ भी बिल्कुल जम गए हैं जेब के अंदर। तो इस तरह व्लॉग बना रहा हूं मैं आपके लिए। तो उसके साथ बिल्कुल सिकंदू के बैक साइड पर ये जगह एक प्यारा सा छोटा सा गांव है, ये आप देख सकते हैं रेतीला एरिया। और उसके साथ यहां पर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, सामान वगैरह हमने लिया हुआ है तो बारबेक्यू को हम प्रोग्राम करेंगे और उसके साथ फिर हम आपको खूबसूरत यहाँ के मनाजिर भी दिखाएंगे कि सर्दियों में इस एरिया में लोग कैसे रहते हैं और उसके साथ सर्दियों में यहाँ के मनाजिर कैसे होते हैं। ये दरिया सिंध आप देख सकते हैं जी, काफ़ी आगे है लेकिन ये पानी वगैरह भी, ये पानी कक्कर जम गए शायद इसमें। क्यों जी? अच्छा, क्या है जी यहाँ पे कोई कटिंग शटिंग का कोई प्रोग्राम तो नहीं? नहीं, ये टेबल के तौर पर यूज तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, सांस फूल रहे हैं। अच्छा, तकरीबन जिसम अभी गर्माहट महसूस हो रही है। सही है, तो क्योंकि 40 मिनट चल चुके हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल, कर्जो सिटी से ये आधी मसाफत हमारी तय हो चुकी है। ऑर्गेनिक विलेज, यहाँ कोई साइकिल भी नहीं आती, सिर्फ आपके पेडेस्ट्रियन है यानी पैदल चलने का रास्ता ट्रेल से बने हुए। अच्छा, यहाँ तो पर आज तक कोई गाड़ी नहीं पहुँची? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक विलेज है। और आज से 5-6 साल पहले यहाँ पर आपके डालडा और कुकिंग आइस जो बाजार में मिलते हैं वो भी यूज़ नहीं होते थे। ये तो अभी अभी शुरू हुआ है, यहाँ पर लोग जो है इस कर्जो बाजार से लेके आते हैं। अच्छा, नहीं तो यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता था, घी और मक्खन। जबरदस्त, जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। तो नाजरीन इस वक्त हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट, वेलकम टू फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। ये आप देख सकते हैं हमारे साथी भी आ रहे हैं। घर से निकाले हुए साथी जिन्हें, और ये मोहम्मद नस्वारी सिद्धा दो, ये यहाँ से आप देख सकते हैं छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं और दोनों अतराफ आप देख सकते हैं चश्मे का पानी। और इस गांव में जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है यही चश्मे का पानी है और काफ़ी पुराना गांव है ये और काफ़ी सदियों से यहां पर लोग बस रहे हैं
और बिल्कुल शहर से दूर और पहाड़ के बिल्कुल करीब ही ये गांव है। और यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 घराने आबाद हैं और काफ़ी पुरसकून जगह, ठंड भी काफ़ी यहाँ पर है। तो नाजरीन स्वागत, हम पहुंच चुके हैं हमारे आवारा गर्द दोस्तों के साथ जिन्हें घर से निकाला गया है। तो यहाँ इस जगहों में पहाड़ों में आके ऐसी गारों में आके ये लोग कुकिंग वगैरह करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। तो जी दानिश भाई, आग जल चुकी है? इधर उधर करके सेट करते हैं, इधर उधर करके सेट करते हैं। उतर चुका है। अच्छा, बस अभी हम ये स्टैंड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, देसी स्टैंड बना रहे हैं जी, क्योंकि हम पैदल ऐसे स्टैंड हम लेके नहीं आए। अच्छा, जो थर्मोला स्टैंड तैयार होगा थोड़ा सा थर्मो कर इसके ऊपर सीएफ चलाएंगे जी। अच्छा चलो, ये क्या है सामने आपको? कोई बिल्कुल एक गार के सामने बैठे हुए पास्चर आपके चढ़ावा है ये? अच्छा, भेड़ बकरियाँ जो है जब चराने लाते हैं तो रात को जानवरों से बचाने के लिए इसमें बंद किया जाता है। अच्छा अच्छा, चलो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, इंशाल्लाह हंसी मजाक के साथ हम आपको कुकिंग भी दिखाएंगे और यहाँ के मनाजिर भी हम आपको साथ दिखाएंगे। क्या बात है जी, हमारे सीख लग चुके हैं यहाँ पर। दानिश भाई और मोहम्मद भाई हवा देने में जोर रखा हुआ है। हाँ, ये प्राइमरी स्कूल है। आज के इस प्रोग्राम में अपना लाला मुमताज और अपना मुमताज हैदरी को बड़ा मिस किया यार। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया। खुद मायूस किताब का फोन नहीं आता है, फोन उठाए ना तभी हम बुलाएंगे ना। बिल्कुल सही बात है, अटेंड किया हमने, कल किया था। हाँ भाई, सीख का क्या है, तैयार हो गए हैं? जी जी, बस ये आखिरी खेप है, इसके बाद हमारे पास शायद दो तीन नया पंखा लाया जी। अच्छा, सीख भी नया लिया हमने अच्छे अपने ग्रुप के लिए। गुड यार, जबरदस्त। और हमने ये कोई ये बोतल थोड़ा साइड करो ना, बोतल थोड़ा साइड, गर्म हो जाएगी फिर वो। ये बात है जी, क्या बात है, क्या बात है भाई लोग, भाई लोग हमारा खाना पक चुका है नाजरीन। ये आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक और देसी रेस्टोरेंट, खुले में रेस्टोरेंट आपको नजर आएगा। ये इसके साथ खूबसूरत पहाड़ों का मंजर और दरियाए सिंध के खूबसूरत मनाजिर। और ये हमारा खाना पक के यहाँ पर आया है। और क्या तासुरात है मोहम्मद भाई? बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी। अच्छा, ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पका है और साथ ये हमने ग्लास सामने किसी से मंगवाया है। अच्छा, ये कहाँ से मंगवाया ये ग्लास? किसी घर से मंगवाया। इधर लोग बहुत ही मेहमान नवाज से ये खसूसी घर से लेकर आए हैं, गिलास वगैरह बोतल भी इधर मिली है। क्योंकि यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें मौजूद हैं। तो बाकी दानिश भाई भी रोटियां लेकर आ रहा है जी, ओ जल्दी आ जाओ जी। और बस हम इंशाल्लाह यहां पर हम खाएंगे। तो वीडियो को अच्छे लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। गोश्त हम आपको दिखाते हैं जी कैसे पका है। वाह, ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पका है जी, माशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें जी भाई।